दोस्तों जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेडिकल पॉइंट्स के ऊपर है और कैसे आपको मेडिकल पॉइंट में अगर ये पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको कैसे इसे ठीक करना है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप अपने इन मेडिकल पॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको भी ऐसे मेडिकल पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है तो इन ट्रिक्स को फॉलो करें और ये एक्सरसाइज करें, 100% आप लोगों की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट में आती है दोस्तों नोकनीज़ की समस्या। अब मैं बता दूँ, नोकनीज़ की समस्या किसी को भी आ सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। नोकनीज़ की समस्या एक आम बात है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि नोकनीज़ आपको ठीक कैसे करना है। तो नोकनीज़ ठीक करने के लिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं आपको ये वाला एक्सरसाइजेस, जिसे स्टैंडिंग एडेक्टर स्ट्रेच भी बोला जाता है, आपको ये एक्सरसाइजेस के 15 सेट करने हैं। डेली आपको 15 सेट करने हैं। इस एक्सरसाइज में आप ध्यान रखें कि आपका एक पैर मुड़ा होना चाहिए और एक पैर सीधा होना चाहिए, और इस सीधे पैर पे आपको थोड़ा प्रेशर लगाना है। आपको प्रेशर लगाना है जो कि आपकी हड्डी का जो ये मुड़ाव है ये आपका इसमें सीधा होगा, और फिर दूसरी तरफ फिर से आपको इस तरफ वाला पैर मोड़ना है और इस पैर को सीधा करना है। इससे आपकी नोकनीज़ की समस्या बिल्कुल दूर होगी। मैं बताता हूँ, नोकनीज़ में असल आपके जो घुटने हैं वो ऐसे आपस में सटते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने नहीं सटेंगे, बीच में एक प्रॉपर गैप बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉपर गैप बनेगा तो यहाँ पर आप लोग की नोकनीज़ की समस्या ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आते हैं जो कि है चेस्ट। चेस्ट को लेके जितने भी लड़के हैं वो काफ़ी घबराते हैं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस में पैरामिलिट्री यूनिट है उसमें जो चेस्ट है वो 80 से 85 ली जाती है। तो दोस्तों, 80 से 85 सेंटीमीटर तक का जो चेस्ट होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और एक्सपेंड मतलब फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी डाइट पे ध्यान होना देना पड़ेगा। डाइट पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चेस्ट आपका मेन आपके खाने पीने पे निर्भर करता है। और डाइट के बाद अगर बात आती है तो सिर्फ आती है वर्कआउट की, कि आपने चेस्ट के लिए कितना वर्कआउट किया। अब मैं बता दूँ, असम राइफल्स में जो चेस्ट ली जाती है वो 80 से 85 सेंटीमीटर की ली जाती है। तो अगर आपको वहाँ पर चेस्ट में रिजेक्ट होने से बचना है तो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, आपको ये एक्सरसाइज डेली करना है। अगर जिनका चेस्ट कम है तो उनका चेस्ट मेंटेन हो जाएगा और वो आराम से चेस्ट में पास हो जाएंगे। तो इस पुशअप पोजीशन को आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसे बोलते हैं ब्रॉड पुशअप। इसमें जो आपके जो हाथ होते हैं वो नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पुशअप आप नॉर्मल लगाते हो और इस पुशअप में आपको अपने जो हाथ हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पर रखने हैं, मतलब ज़्यादा दूरी पर रखने हैं। तो इससे जो सारा प्रेशर है वो आपके चेस्ट एरिया पे आएगा। याद रखें, आपका सारा प्रेशर चेस्ट एरिया पे आएगा जिससे आपका जो चेस्ट है वो बढ़ेगा। तो अगर आपको 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट करना है तो आपको ये पुशअप डेली आपको 25 से 30 के सेट में मारना है। याद रखें, आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है प्लस आपको ये वर्कआउट भी करना है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करोगे तो 110% आपका चेस्ट ज़रूर बढ़ेगा और आप चेस्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि जांघों को मज़बूत करें। जांघों को कैसे मज़बूत करें। अब मैंने यहाँ पे जांघों की बात क्यों बोली है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप रनिंग कर रहे हो और आप रनिंग में कमज़ोर हो तो रनिंग में कमज़ोर होने के दो कारण होते हैं। एक होता है आपका स्टेमिना और एक होता है आपकी जो थाइज़ है वो कितनी जल्दी भर जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनकी रनिंग में थाई बहुत जल्दी भर जाती है। थाई भरने का मतलब आपकी ये जो थाई मसल्स हैं ये बहुत टाइट हो जाते होंगे और इसमें दर्द हो जाता होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो आपकी जो जांघ है वो मज़बूत नहीं है ताकि आप दौड़ कर सको। अब मैं बता दूँ, हमारी जो रेस है वो 5 किलोमीटर की एक लंबी रेस है, और लंबी रेस में जो आपकी जो जांघें हैं वो मज़बूत होनी चाहिए ताकि आप जितना लंबा दौड़ें और आपकी जांघों में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप रेस क्वालिफाई कर सकते हैं।
काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे असम राइफ़ल्स की भर्ती में जो कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं और लास्ट के 400 और 500 मीटर पे रुक जाते हैं। वो इसीलिए रुकते हैं क्योंकि उनके जो जांग है वो मजबूत नहीं होते। तो जांगों को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है। एक पैर को फोल्ड करना है और एक पैर आपका पीछे की तरफ फोल्ड होगा। इसके इसके आपको 15 के 15 सेट मारना है। इससे आपके काफ मसल्स और आपके थाइज मसल्स, आपके हिप मसल्स, ये तीनों मसल्स आपके फुली स्ट्रेच होंगे और ये एकदम मजबूत हो जाएंगे, जिससे आप जब रनिंग करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा और आप ज़्यादा देर तक रनिंग कर सकोगे। तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट और सबसे ज़्यादा कमेंटेड क्वेश्चन यही था कि सर हाइट कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं बता दूं, हाइट के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, लेकिन सच तो ये है दोस्त, किसी भी एक्सरसाइज को करने से हाइट बढ़ती ही नहीं है। हाँ, बात आती है कि 1 सेंटीमीटर आप अपनी हाइट को थोड़ा स्ट्रेच ज़रूर कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप कोशिश करो तो आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। इसके लिए अगर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं तो ये 4 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे दिखाई है आप लोग को स्क्रीन पे, ये आप लोग करें, इससे आपकी 110% हाइट में कुछ तो इजाफा होगा दोस्त। अब मैं झूठी तसल्ली किसी को भी नहीं दूंगा कि इसको करो तो आपकी हाइट 5 फीट से 6 फीट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं दोस्त, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा पहले से और अभी में। तो सबसे पहले तो ये आपने देखा है फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच, इसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होगी, क्योंकि हमारी हाइट पूरी तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी पे डिपेंड होती है। उसके बाद सेकंड में आप आएंगे तो लैंड स्विमिंग में आपको उल्टा होके दोनों पैरों और दोनों हाथों को एक साथ उठाना है, इस पर भी आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होगी। याद रखें दोस्तों, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे आप ग्लूट्स एंड हिप ब्रिज करें तो यहाँ भी आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच हो रही है। फिर आप साइड बेंड करो तो साइड बेंड में भी आपकी यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच हो रही है। तो जितना हो सके आपको ये 4 एक्सरसाइजेस करने हैं, आपको आपकी हाइट में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर मिलेगा। और जिनकी हाइट 169 है, जो डर रहे हैं कि सर हम वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे हाइट में, तो खासकर वो लड़के, मैं 165 वालों की बात नहीं कर रहा, 169 वालों की बात कर रहा हूँ। 169 वाले अगर लड़के अगर ये एक्सरसाइज की मेहनत करें तो वो आराम से अपनी 170 सेंटीमीटर हाइट लेकर वहाँ पे जा सकते हैं और असम राइफल में और या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, चैनल पे बने रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।